ये जी बाबा जाने का यूनिफॉर्म, और मैंने रात को प्रेस कर लिया था, उसको उठा दिया है। अभी जस को लंच जो भी देना है वो लेने के लिए भेजा उसके पापा के साथ के ज़रा उसको होश आ जाए। उठाया उसको नींद से, तो ये देखिए मैंने प्रेस किया है। और ये स्कूल जैसी पैंट पहनानी, क्योंकि पैंट मैंने आपको बताया था नहीं मिली, तो वो ट्यूसडे को उन्होंने कहा था मिल जाएगी, यानी कि आज नहीं कल मिल जाएगी। तो अभी उन्होंने कहा था जो स्कूल की पैंट के कलर जैसा ना वैसे ही आप पैंट पहना के भेज दें। तो ये वाली पैंट थी मेरे पास, तो मैंने उसको ये पहनानी इसके साथ आज। और ये देखिए रात को जो है ना बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, इधर देखे वो भी पानी सारा पड़ा है और मौसम काफ़ी अच्छा है रात का। मेरा हैंडसम सा बेटा देखे जी रेडी हो गया है, और देखे कितना प्यारा लग रहा है, अब लग रहा है जैसे स्कूल नहीं ऑफिस जा रहा है ना बाबा जानी। आज बाबा जानी को नींद बहुत आई, थोड़ा सा मूड भी खराब है ना। हेलो गाइस तो कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। सतीके जी, और ये क्या लेके आए दिखाओ गाइस को। वाह चॉकलेट चिप, और अच्छा दोनों चॉकलेट चिप हैं, चलो ये लो। आप सबने बताना है बाबा जानी कितने प्यारे लग रहे, बताना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि इसको यूनिफॉर्म बहुत प्यारा लग रहा है और घड़ी भी हमने पहना दी है। ये देखिए मैं अपने बेटे के लिए लंच के लिए रेडी कर रही हूँ ब्रेड, और ब्रेड पे लगेगा जैम, ये एप्पल जैम, और साथ में जो है ना मैं दूध की बलाई भी एक साइड पे लगाऊंगी, ठीक है। और ये इसका लंच रहा, और ये अभी जो है ना वो नाश्ता कर रहा है चाय और रस का, और इधर बैठा है। इसका लंच रेडी है, और इसके बैग में जाने लगा, और ये इसकी बोतल इसके बैग में डालती। बाबा ये भी मुझे दे दो जो आप लेके आए हो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मैं आपके अंदर डाल दूँ, ये भी मैं डाल देती हूँ। प्यारे बहन भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और अब मैं बाबा जानी को स्कूल छोड़ आई हूँ, और अभी हम लोग खुद नाश्ता करने लगे हैं। और आज बाबा जानी का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, और कल जो 14 अगस्त पर जो हमारा भी लोग आया काफ़ी छोटा आया था, उसकी वजह यह थी एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और एक हमारे घर पानी का थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से सारे काम जो पड़े थे, और फिर बाहर भी नहीं हम जाते 14 अगस्त पे, क्योंकि ना जो वन व्हीलिंग करने वाले लोग होते वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये है कि मतलब कि वो लोग फिर दूसरों का भी जिंदगी का जो है ना एहसास नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बाहर निकलते 14 अगस्त पे, हरगिज़ भी हम बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए ऐसे ना हमारा व्लॉग इतना सही था, और जो हमने किया वो आपको हमने दिखा दिया था। तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, नाश्ता जो है हमारा वो भी रेडी है। अभी सवाल को भी आज मैंने बोला आप जल्दी टाइम से चले जाओ, क्योंकि बाबा जानी को उन्होंने लेना है स्कूल से वापस, तो वो मैंने उनको बोला कि आप टाइम से चले जाओ, ताकि फिर टाइम से आप उसको भी स्कूल से वापस ले आओ। जी हमारा नाश्ता हम अंदर लेके जा रहे हैं, शहजाद भी जो है ना ऑफिस चले गए हैं, और बाबा जानी भी स्कूल चले गए हैं, और हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, आप पौधे को देख सकते हैं। और मेरा पौधा थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए पीला पीला होता जा रहा है, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे लगती है, और इसकी भी कोशिश करते हैं इसको ना धूप से हटाएँ। तो आज मैं काम करने लगी थोड़ा सा, ये इसको जो है ना अंदर लेके जाने लगी है, देखा मैंने खींचा भी हुआ है, इसमें बच्चों के सारे कपड़े डालने हैं। और ये जो ना मेरे ससुराल वालों के पास था, लेकिन उनसे अब मैंने लिया, क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े जो है ना मतलब ज़्यादा होते हैं, और वो ना पूरे नहीं आ रहे, और बाबा जानी का ड्रॉ भी टूट गया, जिसकी वजह से ना मुझे इसकी ज़रूरत अब थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आपको चाहिए होगा तो हम आपको ये वापस दे देंगे ले लेना, तो मैंने उनसे ये वापस ले लिया। और अब ना इसमें मैं ना बच्चों के सारे जन्नाब के, ज़रोया के, और बाबा जानी के तीनों बच्चों के कपड़े इस ट्रंक में रखूँगी। इसको फ़िलहाल मैं अंदर लेके जाती हूँ, और इसको अच्छे से साफ़ वगैरह करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जन्नाब के ज़रोया के कपड़े तो आ गए, लेकिन बाबा जानी के लिए जगह छोड़ दी है, लेकिन अभी मुझे ना और काम करना है, तो इस वजह से उसके कपड़े तो तय ही हैं, इनके तय आने वाले थे, तो ये मैंने ना सारे ये देखे अच्छे से करके रख दिए हैं, और उसके तो बस शिफ्ट ही होने हैं अभी। इसके ऊपर ये देखा मैंने ये भी डाल दिया है, अभी जो नेक्स्ट काम करना है आपको दिखाती हूँ मैं।
ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना मैंने दीवार पर लगाना, ये जो बाइबल रखने के लिए मैंने स्टैंड बनवाया है दीवार के साथ लगेगा। ये देखें इसके स्टैंड भी जो है ना लगा के दिए उन्होंने, और हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें इसको ना, अभी मैंने वहाँ से ये वाला टॉयज हटाया है, इसको मैं दूसरी साइड पर लगाती हूँ, और इसको जो है ना फिलहाल मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो ये इधर दीवार के साथ बिल्कुल साइड पर ठीक रहेगा। और ये मेरे बाबा जाने की तस्वीर है। ये देखें व्यूअर्स, जो है ना लगा दिया मैंने, और अच्छे से यहाँ पर फिट हो गया है। और यहाँ पे आ गई है गंदी बच्ची, और अभी वहाँ पे जो है ना टॉयज लगाती, और साथ में जो सीनरीज मिली ना वो भी आज मैं कोशिश करती लगाने की, लेकिन अगर केल नहीं मेरे पास इस टाइम होगा। अभी देखें व्यूअर्स, आज मैं इधर का ना काम सारा कंप्लीट कर रही हूँ, ऊपर से भी मैंने सारी जो है ना सफाई कर लिया, और इधर से भी मैंने सारा कुछ तार के देख लिया, नीचे रखा इतनी ज़्यादा मिट्टी जो उतरी है। और अभी हमारी तस्वीरों का भी हाल चेक करें। ये देखें फ्रेम के अंदर, ये हमारी शादी की पिक्चर है, और पहले देख ले मैं कैसी होती थी, अब मैं कैसी हो गई हूँ। चले कोई नहीं, बच्चों के साथ फिर हो ही जाता है। तो इसको आज फ्रेम को करती सारा साफ अच्छे से। ये देखें इसमें बहुत मिट्टी है, और ये वाली भी हमारी पिक्चर है, ये मेरी सिस्टर की शादी की है हमारी तस्वीरें, ये भी फ्रेम साफ़ करना, और ये वाला फ्रेम भी साफ़ करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं वो सारा काम वहीं पे छोड़ के, आप देख सकते हैं मैंने वो उधर का बस थोड़ा सा भी किया है, तो मैं इसको नहलाने आ गई। और अभी मैंने इसको जो ना इसका पानी मैंने गर्म होने रखा था वो हुआ है, और इसको मैंने अभी नहला दिया है पाउडर देखे। फिर मैंने कहा ये सो जाएगी आराम से, और मैं आराम से सारे काम कर लूँगी, क्योंकि छोटा बेबी जो होता है वो नहा के बहुत सोता है ना सर ना, आप भी सो जाओगी, सो जाओगे आप भी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो बाबा जानी के सारे टूटे खिलौने हैं ना, ये देखें ये सारे टूटे हुए हैं, ये मैंने सारे निकाल दिए हैं, और जो सही वाले वो सारे इस डब्बे में मैंने डाल के रख दिए हैं। तो इसमें सारे जो है ना मैंने उसके खिलौने डाल के रख दिए, जो TCS का बॉक्स हमें आया था, तो इसमें मैंने उसके सारे जो ठीक वाले खिलौने हैं ना टॉयज वो सब इसमें, और जो टूटे हैं वो सारे निकाल दूँ, क्योंकि ना वो न्यू लेता रहता तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है टूटे भी संभालने का। तो मैंने टूटे सारे निकाल दिए, क्योंकि घर को ना मैं सारा एक बार अब साफ़ कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये इसकी कुकर की फ्रेम है, उनकी तस्वीरें, और इसको भी मैंने ना वॉश कर लिया, ये बहुत काफ़ी गंदा था, ये भी मैंने धो लिया, और बाकी आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी इधर का पोर्शन कितना नीट लग रहा है, ठीक है। ये देखें ये हमारी पिक्चर, ये और एक ये, और ये सारी मेरी नेल पेंट्स यहाँ पे रख दी हैं, और ये बाइबल भी यहाँ पे सेट हो गई, बाइबल बाबा का जो मिला था वेलकम का वो भी इधर रख दिया है, ये भी, और ये क्रॉस रह गई, इसको भी दरमियान में लेके जाना है। ये जी मैं दोपहर के खाने के लिए ना गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि ना शहजाद जो है बाबा जानी को लेके स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना दोपहर का खाना कर लो रेडी। तो यहाँ पे जी ये रात वाला पुलाव जो हमने बनाया था वो है, इसको मैं गर्म कर रही हूँ, और साथ में ये चाय बनाऊँगी, और ये हमारा दोपहर का खाना भी हो जाएगा। मैं अभी फारिग नहीं है, आप देख सकते हैं ये, और ये मैंने सारा जो है ना गन अंदर से निकाला है, जूते टूटे और छोटे बच्चों के निकाल दिए हैं, और ये देखिए सारे खिलौने मैंने निकाल दिए हैं, अभी मेरा काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये देखें जी बाबा जानी का जाना इंतज़ार हो रहा है, और इधर से उसने आना है ऊपर, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो आते हैं ना, जैसे मैंने उसका इंप्रेशन चेक करना है कि क्या है, क्योंकि आज इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था जाने के लिए। ये जी बाबा जानी स्कूल से आ गए, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हैप्पी हो आप, आप खुश हो घर आके। ये जी बाबा जानी आ गए, जोया खुश हो रही है आपको, आपको शेक हैंड कर रहा है। मम्मा को तो किया नहीं, मम्मा को हग करो, मम्मा को तो हग करेगा बाबा जानी। बाबा जानी को मैंने चेंज कराया, वो अपनी चेयर के साथ मजा कर रहा है, ये वो ऊपर पड़ी थी मैंने वहां से उतारी, और इसको धोया मैंने सारे अच्छे से, और इसका लंच बॉक्स चेक किया, तो देखें जरा हैरान हो जाएंगे आप, वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं खाया इसने, पता नहीं क्यों नहीं अब खाया, उन्होंने बताया नहीं है क्या किया है, वैसे ही लंच वापस ले आया।
मैंने इसका चेक किया चेंज करवा के, अभी इसको मैं देती हूँ खाए। बाबा जानी अभी आप ऐसे करो खा लो, चलो आ जाओ। और ये लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं, चाय बस बन गई है, ये देखें चाय बस रेडी हो गई है, खाना वगैरह खा लिया है। अभी जो है ना मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद फिर जो है ना काम करना है और फाइनल काम ख़त्म कर देना, क्योंकि बस थोड़ा सा रह गया तो मैं चाय बस पी लूँ। बाबा जानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो सुबह से उठे थे और कोई चीज़ गिर गई है, और जनाब भी सो गई थी और ज़रोया भी सो गई थी। अभी जो ना मैंने बाबा जानी का जो यूनिफॉर्म है ना, ये देखें इसको हैंग कर दिया, और इसकी शर्ट जो ना वॉश करने वाली थोड़ी बहुत ही है, ये देख लें, लेकिन इसको मैं फिर भी वॉश कर लूँगी। और इसको मैंने हैंग कर दिया इसलिए कि गिरती ना रहे, क्योंकि वाइट कलर के तो फिर गिर गिर के ये ना गंदी ना हो जाए। और इधर की अब लुक देखें, ये देखें ठीक है, ये भी हो गया। अभी मेरे पास ना कील नहीं है, जिसकी वजह से ना मैं इसको वहाँ पे नहीं लगा सकती, जो सीनरियाँ हैं वो भी नहीं लगा सकती। वो कील जो है ना बच्चों से मैं मंगवाऊँगी, तो बाकी जो ना मैंने ये घर फाइनल जो है ना नीट कर लिया हुआ है। उधर का भी मैंने काफ़ी कुछ जो है ना साफ़ कर लिया, बस उधर का एक काम रह गया, वो है जी इस सारे बर्तनों की जो है ना धुलाई रह गई है, और वो मैंने कहा सबसे एंड पे मैं करूँगी। अभी जो ना मैंने सारी पहले मिट्टी वाले सारे काम कर लिए, कि जो ना इसका जो ना शीशा भी नहीं है, ये बाबा जानी ने ही तोड़ा था कोई चीज़ मार कर, तो उसकी वजह से इसका सारा शीशा टूट गया, और अभी बस इसकी धुलाई बर्तनों की रह गया। बाकी जो ना तकरीबन घर जो ना मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, सारी जो ना मैंने सफाइयाँ कम्प्लीट कर ली हुई हैं, ठीक है। बाहर की भी सारी कम्प्लीट है, अंदर की भी सारी कम्प्लीट है। ये इधर किचन भी साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे जी बारिश का जो मैंने पानी था वो भी सारा मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दिया था, और धूप भी निकल आई है थोड़ी सी, और मौसम कमरे जो है ठंडे हो चुके हैं, और ये देखें अभी जो ना काफ़ी बेहतर है। अभी जो ना सिर्फ पानी का काम रह गया, और सोफ़ा जो ना सेल करना है, तो किसी के साथ हमारी डील चल रही है, तो पौधा जो ना फिर मैं इसको उस वाली जगह पे ले जाऊंगी छांव में, क्योंकि इसकी मुझे बहुत फिक्र है। और ये जो ना आपको दिखाया था ये ख़राब हो रहा है यहाँ पे धूप में, तो इसको जो ना छांव में रखना है। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो ना यही पे एंड करेंगे, कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है, और मैंने ना काम ही किए हैं, ये काम सारे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर जो ना हम लोगों ने बड़ी इबादत रखवानी है, तो उसके लिए ना घर जो मैं नीट पहले से कर रही हूँ, कुछ मेहमान बुलाने होंगे तो इस वजह से फिर घर तो साफ़ होना चाहिए ना, तो सारा जो ना काम वगैरह मैं इसलिए घर को एक दफ़ा सारा नीट कर रही हूँ, ताकि ना बाहर से भी आपको पता हमने सफाइयाँ की थी, जो न्यू है उनको तो शायद ना पता हो, क्योंकि जो मेरे पुराने मुझे प्रॉपर ब्लॉग्स मेरे देख रहे हैं उन सबको पता है कि हमने घर की जो ना काफ़ी सफाइयाँ की है बाहर से भी, और अंदर से भी मेरी कम्प्लीट होगी, बस छोटे मोटे काम रह गए। तो अगले हफ्ते में जरा हम अपनी इबादत रखवाएंगे और फिर सबको बुलाएंगे। तो आज का व्लॉग एंड करेंगे, और बाबा जानी की कुछ चीज़ें भी लेने जानी स्कूल से, स्कूल से कह रही हूँ स्कूल की, क्योंकि मैंने उसका सब कुछ कर लिया, और मैं मेन चीज़ें जो भूल गई, उसकी पेंसिल्स रेस और ये सारी चीज़ें मैंने भूल गई, और मुझे जहन में नहीं था रहा, और आज मुझे ना रात को याद था लेकिन मैं ना भूल गई थी, लेकिन आज जो ना उसकी बाज़ार से वो चीज़ें भी लेके आऊँ। उसको ना होमवर्क मिला है कलर वाला, जो कलर करने हैं, तो वो कलर्स वगैरह भी इसके लेके आएंगे, तो हम लोग शाम को जाएंगे, और जो कुछ भी लेके आएंगे वो आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, और आज के व्लॉग को यहीं पर करेंगे एंड। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।